चंद्रप्रभा सैकियानी असम से पर्दा प्रथा हटाने में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला। साल 1925 था। असम के नौगांव में असम साहित्य सभा की बैठक हो रही थी। इसी बैठक में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही थी और लड़कियों में शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जा रहा था। इस बैठक में पुरुष और महिलाएं दोनों मौजूद थे, लेकिन महिलाएं पुरुष से अलग बांस से बने पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। चंद्रप्रभा सैकियानी मंच पर चढ़ी और माइक पर शेरनी की तरह गरजती हुई आवाज में कहा, तुम पर्दे के पीछे क्यों बैठी हो, और महिलाओं को आगे आने को कहा। उनकी इस बात से इस सभा में शामिल महिलाएं इतनी प्रेरित हुईं कि वे पुरुषों के अलग करने वाली उस बांस की दीवार को तोड़कर उनके साथ आकर बैठ गईं। चंद्रप्रभा की इस पहल को असम के समाज में उस समय प्रचलन में रही पर्दा प्रथा को हटाने के लिए अहम माना जाता है। 13 साल की उम्र में खोला था स्कूल। असम की रहने वाली इस तेज तर्रार महिला का जन्म 16 मार्च 1901 में कामरूप जिले के दोई सिंगारी गांव में हुआ। उनके पिता रतिराम मधुदार गांव के मुखिया थे और उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर काफी जोर दिया था। चंद्रप्रभा ने न केवल अपनी पढ़ाई के बल्कि अपने गांव में पढ़ने वाली लड़कियों पर भी ध्यान दिया। उनके पोते अंतुन सैकिया, जो कि एक पत्रकार भी हैं, कहते हैं जब वे 13 साल की थी तो उन्होंने अपने गांव की लड़कियों के लिए प्राइवेट स्कूल खोला। वो इस 13 साल की शिक्षिका को देख करके स्कूल इंस्पेक्टर प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रप्रभा सैकियानी को नौगांव मिशन स्कूल का वजीफा दिलवाया। लड़कियों के साथ शिक्षा के स्तर पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज को नौगांव मिशन स्कूल में जोर शोर से रखा और वे एक करने वाली पहली लड़की बन गई मानी जाती हैं। उन्होंने 1920 में 21 में किरोना माई अग्रवाल की मदद से तेजपुर में महिला समिति का गठन किया। चंद्रप्रभा पर उपन्यास लिखने वाली निरुपमा बरगोहाई बताती हैं कि चंद्रप्रभा और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने वस्त्र योजना यानी कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने को लेकर के मुहिम चलाई और वस्त्रों को जलाया, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी भाग लिया। इस समय महात्मा गांधी तेजपुर में ही थे। निरुपमा बरगोहाई के उपन्यास अभिजीत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। वे बताती हैं पिछड़ी जाति से आने वाली चंद्रप्रभा सैकियानी की शादी बहुत ही कम उम्र में एक उम्रदराज आदमी के साथ कर दी गई थी और उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन निरुपमा बरगोहाई कहती हैं कि वे काफ़ी हिम्मत वाली महिला थी। वे जब शिक्षिता थी तभी एक अलग रिश्ते में रहते हुए अनव्याही माँ बनी, लेकिन ये रिश्ता सफल नहीं रहा और उन्होंने इस रिश्ते से पैदा हुए बेटे को अपने पास ही रखने का फैसला ले लिया और उसे खुद ही पाला। चंद्रप्रभा सैकियानी ने न केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया बल्कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वतंत्रता आंदोलन को उन तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में साइकिल से यात्रा की और वो ऐसा करने वाली राज्य की पहली महिला मानी जाती हैं। उनके पोते अतुल बताते हैं गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन चंद्रप्रभा सैकियानी ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इसकी लड़ाई लड़ी और लोगों को उनका हक दिलवाया। उन्हीं की कोशिशों से लोगों को तालाब से पानी लेने का अधिकार मिला। उन्होंने मंदिर में पिछड़ी जातियों के प्रवेश को लेकर के भी आंदोलन किया, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सन 1930 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गईं और सन 1947 तक वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रहीं। उन्होंने अपने काम के लिए सन 1972 में पद्मश्री से भी नवाजा गया उन्हें।